यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी डिवीज़न भारी डिवीज़न जो जो यहाँ से लेके बलेस तक है, इसमें हमने चंद दिन पहले आपने देखा कि यहाँ लोकल एक यहाँ का हमारा डीएफओ था, जिसको मैं तो कहूँगा कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको सस्पेंड किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है यहाँ पे। हमने यहाँ पे पूरी जो हमारी पंचायतें हैं, जो हमारी सब डिवीज़न हैं, जितनी भी हमारी हमारे ब्लॉक्स जो पड़ते हैं यहाँ से भलेसा तक लेके, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने मेमोरेंडम भी बनाया है जो ऑनरेबल गवर्नर साहब को हम भेज रहे हैं, उसके एडवाइज़र को भेज रहे हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को भेज रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पिछले दिन कंजर्वेटर की सरबराही में जो यहाँ पे सीज़र हुआ, जिसमें 40 साल 50 साल पहले जो मशीनें यहाँ पे थी, जो सेंक्शन मशीनें हैं, और जो 10 साल 15 साल से बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, जिन पे बैन लगा हुआ है, उन्हें सील किया गया। और उसमें मैं उनको बताना चाहूँगा कि कोई भी रिकवरी उन लोगों ने नहीं की, बल्कि उनके जो व्हील हैं, जो मशीनें बंद हो चुकी थी, उनके व्हील जो हैं वो डिपार्टमेंट ने सीज किए, जिसमें कंजर्वेटर साहब थे, डीएफओ साहब थे और उनका जो दूसरा स्टाफ था। लेकिन हम उनको ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने सीजर किया यहाँ पे, मशीनें सीज की, तो आपने कितना माल, कितने स्लीपर, कितने दरख्त यहाँ से पकड़े जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काटे थे। और मैं आज आपको ये वाजह तौर पर ये बताना चाहूँगा कि हम पहली दफ़ा ये सुन रहे हैं कि पहली दफ़ा किसी डीएफओ को बगैर इंक्वायरी के, बगैर पूछताछ के, बगैर किसी मसले के उसको डायरेक्ट सस्पेंड किया गया। और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की नहीं, बल्कि जो अफसर लोग हैं, जो बड़े बड़े आईएफएस हैं और बाकी जगहों पर तैनात हैं, वो कॉन्स्पिरेसी है इस अफसर को यहाँ से हटाने की, इसको खामखा तंग करने की। और इस चीज़ को हम बड़े सख्त अल्फाज में कंडम करते हैं, और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, उसके एडवाइज़र से अपील करते हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब से अपील करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसमें देखा जाए कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और जो गलत तरीके से अगर जिस डीएफओ को यहाँ पे सस्पेंड किया गया उसको बहाल किया जाए। और कम से कम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब से एक साल यहाँ इस डीएफओ को यहाँ पे हुआ, इससे पहले जो डीएफओ यहाँ पे रहे उन दिनों ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन आज इसके वक्त में उतना नुकसान नहीं हुआ है। आज टिम्बर के सेल डिपो हैं, लोग जो है सेल डिपो से लकड़ी लाते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को देता है, वहाँ से लोग लकड़ी लाते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज लोगों का मरना भी हराम हो गया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुसलमान अगर कोई मरता है तो उसको 2-3 स्लीपर मरने के लिए चाहिए, अगर कोई मेरा हिंदू भाई मरता है तो उसको 20 घोड़े लकड़ी, 30 घोड़े लकड़ी जो है उसको संस्कार के लिए चाहिए। लेकिन वक्त ऐसा आ चुका है कि आज ना मुसलमान को दफनाने के लिए 2 स्लीपर मिलेंगे, ना मेरे हिंदू भाई को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए 20 घोड़े लकड़ी मिलेगी। तो ये बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसमें एक हार्ड स्टेप ले और इसकी गहराई से इंक्वायरी करे कि अगर यहाँ भारी हेवी स्नोफॉल हुआ, आपने देखा कि यहाँ इस दफ़ा इस साल में जितनी बर्फ़ गिरी, इससे जंगलों का कितना नुकसान हुआ, हज़ारों की तादाद में जो जंगलों में जो है पेड़ नीचे गिर गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीएफओ उसमें इन्वॉल्व है उसको गिराने में, ये कुदरत का एक सारा सिलसिला था जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे लोग रहे हैं, जैसे कंजर्वेटर साहब यहाँ पे थे, अगर कंजर्वेटर साहब ने यहाँ पे सीजर किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तो आप लोगों ने रिकवरी कितनी की, कितने नग आपने पकड़े, कितनी लकड़ी आपने उन मशीनों से पकड़ी जिन मशीनों को आपने सीज किया। तो इसीलिए हम आज हमने इस सिलसिले में एक यहाँ पे अपने प्रेस वालों को बुलाया था, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे दी, और मैं समझता हूँ कि हर चैनल पर चलेगी, और इसमें जो है सरकार जो है, गवर्नर साहब जो हैं, उसके एडवाइज़र साहब जो हैं, जिनके पास ये महकमा है, ये हमारे के विजय सिंह, के विजय कुमार जी, उनके पास ये फॉरेस्ट का महकमा है, होम का महकमा है, तो उसमें ये अच्छे तरीके से इंक्वायरी करेंगे और चिनाब खत्ते का खुद दौरा करें, बिलखसूस इस हमारी डिवीज़न में आए और लोगों से पूछें, और खुद भी जंगल का मायना करें, टीमों को भेजें कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है, अगर नाजायज तौर पर
यहाँ के डीएफओ को सस्पेंड किया गया है, उसको फौरी से फौरी तौर पर बहाल किया जाए।